हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और आज मैं आप लोगों के साथ है ना एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज़ करने के बाद है ना आप शायद पार्लर भी भूल जाएंगे। हम में से कितने सारे लोग हैं ना पार्लर जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत रिलैक्स फील होता है, और जब भी पार्लर जाते हैं ना और अपना क्लीनअप वगैरह करवाते हैं उस टाइम पर लगता है यार हर महीने यहाँ आना चाहिए। और बाद वही ग्लो जब बिल्कुल गायब हो जाता है ना, तब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ करवाना चाहिए यार, इतना पैसा गया है और ग्लो सिर्फ है ना कुछ दिन के ही लिए टिका है, ठीक है, बट हमें तो डेली ग्लो चाहिए, हमारी स्किन नरिश दिखनी चाहिए। तो क्यों ना हम डेली रूटीन में ऐसा कुछ शामिल करें जो हमारी स्किन को है ना हाइड्रेट रखे, ग्लोइंग रखे और स्पॉटलेस रहे। क्यों ना फिर हमें ना एक प्रोटेक्शन दे अपनी स्किन को और उसको है ना ऐसा बना दे कि भाई हमारी स्किन तो है ना डेली मॉइस्चराइज रहती है और ग्लोइंग रहती है। तो बस हम लोग मेकअप करेंगे, आके अपना फिर से वही रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्किन है ना अच्छी ही दिखने वाली है। तो ऐसे ही आज मैं एक प्रोडक्ट है जिसको है ना मैंने अभी कुछ टाइम से रूटीन में लाना शुरू किया है। देखिए मेरी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना कि किसी प्रोडक्ट का अगर मैं कोई क्रीम, जेल या कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना तो उसका रिजल्ट जो रहता है ना अच्छे वाला रिजल्ट तो हफ्ते भर में पता चलेगा, लेकिन उसका है ना साइड इफेक्ट है ना रातों रात पता चल जाता है। मतलब लगाया और नेक्स्ट मॉर्निंग ही पता चल जाता है भाई आज तो फेस पे हो गया काम। बट ये प्रोडक्ट मेरे यूज करने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है और उसके अच्छे रिजल्ट को देखते हुए ना मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं कि उसका इफेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो मैं बात कर रही हूं रिफ्रेश स्किन साइंस। ये प्रोडक्ट, ये पूरा एक किट है जिसके अंदर है ना सारे प्रोडक्ट आते हैं आपके, मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको जो स्किन केयर फॉलो करना है वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसके पीछे मैं आपको बता दूं ये 100% वेगन है और नॉन टॉक्सिक, नॉन सल्फेट, नो सिलिकॉन्स, नो पैराबेन, नो फ्रेग्रेंस। यस, ऐसे कोई हार्मफुल चीजें नहीं है जो हमारी स्किन को है ना खराब कर देंगी। देखिए ये जो ड्राई स्किन के लिए है, और जब मैंने इसको यूज किया क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और सुपर सुपर ड्राई है तो ये मुझे तो सूट आ रही है, और इवन मेरे स्किन पे ना एक ग्लो भी नजर आया है, डार्क स्पॉट्स कम हुए हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। बट इसकी अगर आपकी स्किन जैसी भी है उस पर ये साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं देगा, किसी तरीके का नहीं आने वाला है। मतलब लेने के बाद ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि यार ये तो हमारे पैसे चले गए, बेकार आया प्रोडक्ट। तो चलिए पहले इसको है ना करीब से देख लेते हैं कि ये तो जो पहला प्रोडक्ट है, ऑब्वियस है जब हम अपनी स्किन का केयर करते तो फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम अपनी स्किन को क्लीन कर लें कम्प्लीटली, मतलब उस पर कोई मेकअप ना रहे। तो उसके लिए है ये फोमिंग फेस वॉश। फोमिंग फेस वॉश है और ये है ना कुछ इस तरीके से ब्रश के साथ आता है, ब्रश है इसलिए इसके साथ एक कैप भी लगाया हुआ है। और इसको यूज़ कैसे करना है और उससे पहले मैं ये आपको पूरे डिटेल बता देती हूँ। ये ऑल स्किन टाइप है और आपको मैंने जैसे बताया हुआ है पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, ठीक है, सारी डिटेल इसमें दिया गया है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी शो किए गए हैं, वो आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। क्वांटिटी इसकी 150 ml है और काफ़ी चलता है, फोमिंग है, बहुत कम क्वांटिटी में ये यूज़ होता है हमारी स्किन पर। ये आपके है ना मेकअप रिमूव करने के बाद यूज़ करना है, ना कि मेकअप के साथ फेस वॉश का यूज़ करना है। आप चाहो तो इसके साथ में, ब्रश के साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सिर्फ अपने फेस पे फोम लगा करके हाथों से रब करके यूज़ कर सकते हैं। ये फेस वॉश आपके जो पोर्स रहते हैं ना उसको मिनिमाइज़ करेगा, मतलब आपके स्किन के ना जो पोर्स है उसको टाइट कर देगा और आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए है और ये आपके स्किन को है ना अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, खिंचा खिंचा बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगा।
और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डेली मेकअप करते हैं, और कई बार क्या होता है मेकअप रिमूव करने के बाद भी है ना कुछ हमारी स्किन पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेकअप रह जाता है। अगर आप डेली मेकअप करते हैं तो आप इस ब्रश का यूज कीजिए, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ब्रश के साथ अपनी स्किन पर इसे डेली रब नहीं करना है। और आप क्योंकि हमें इसे दिन में दो बार यूज करना है, एक मॉर्निंग में करना है एक इवनिंग में करना है, तो कोशिश कीजिए जैसे स्क्रबिंग करते हैं वैसे ही इस ब्रश का यूज करना है। फेस वॉश के बाद बारी आती है टोनर की, और फेस वॉश करने के बाद टोनर को कभी भी स्किप मत कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे और आपके स्किन पे मॉइस्चर लॉक रहे और फाइन लाइंस वगैरह बहुत जल्दी ना दिखें, तो टोनर का यूज़ बिल्कुल करना चाहिए। ये चीज़ ऐसी है जिसे यूज़ करने से है ना आपको डेफिनेटली अपनी स्किन पे है ना जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। तो इसके साथ आता है इस टाइप का ये टोनर भी, और ये है ना अल्कोहल फ्री टोनर है, आपकी स्किन पे किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देने वाला है, और साथ में है ना ये आपके पोर्स को टाइट कर देता है, हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। इस टाइप का ये इसका कार्डबोर्ड है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और इसके मैं बता दूँ 200 ml इसकी क्वांटिटी है, और इसका इस टाइप से देखिए ये है, और इसमें इस टाइप से और कोई मेंशन नहीं है इसमें कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह रहेंगे, यूज़ करने का तरीका बताया गया है। और आप है ना इसको यूज़ ऑफ सनस्क्रीन इन द डे आफ्टर एप्लीकेशन, ओके। इसको है ना इसकी सबसे अच्छी बात है ये, देखिए जो नॉर्मली जो टोनर रहते हैं ना जो हमारी स्किन को है ना स्पेशली पोर्स टाइट करने के लिए ही टोनर का यूज़ किया जाता है, और कई बार ये है ना जो हम लोग क्या करते हैं फेस को वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद क्या हमारी स्किन से जो थोड़ा बहुत जो ऑयल रहता है वो भी ख़त्म होता है, बट मॉइस्चर चला गया, ठीक है ना। मॉइस्चर को लॉक करने के लिए मीन्स कि इसका यूज़ करने के बाद स्किन पर ना बहुत अच्छा है ना ग्लो रहता है, हाइड्रेट लगती है स्किन, ऐसा नहीं लगता है कि अभी फेस वॉश करके आए हैं तो बिल्कुल सूखा सूखा सा चेहरा हो गया है। फेस वॉश से नहीं होगा, और आप अगर कोई और फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो टोनर का यूज़ ज़रूर कीजिए। ये टोनर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पर्सनली मैं बोलूँगी टोनर बहुत ही गजब का है, और इसका स्प्रे बहुत ही है ना एकदम से फाइन है, बिल्कुल फाइन, और स्किन पे है ना काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ आया है। इसको लगाने के बाद है ना स्किन थोड़ी सी ड्यूई लगती है, ग्लोइंग लगती है। टोनर के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं फेस सीरम का। फेस सीरम हमारी स्किन के है ना अंदर तक जाता है और उसको है ना अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इन्होंने दो तरीके के जो है सीरम है इस ब्रांड के, और बिल्कुल हम लोग जो सीरम यूज़ करते थे वही हम लोग डे में करते थे और वही नाइट में कर लिया करते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारा डे का जो इफ़ेक्ट्स है वो अलग रहता है और नाइट का बिल्कुल डिफरेंट रहता है, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से हमारी स्किन का पाला बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इसके साथ इस टाइप के है ना दो सीरम हैं, जिसमें मैं आपको पहले दिखाती हूँ डे का। तो डे का सीरम है ये, और 20% विटामिन सी के साथ है, ब्राइटनेस देगा ये आपकी स्किन को, इवन स्किन टोन देगा फॉर रेडियंस ग्लो। 30 ml इसकी क्वांटिटी है, और कुछ इस तरीके से इसकी शीशी है, और सेम वैसे ही इसके साथ इस टाइप का एक नोट मिलता है, आप देख लीजिए, सबका इसी तरीके से हाईलाइट किया गया। जैसे नॉर्मली और सीरम ड्रॉपर के साथ आते हैं वैसा ही है, ग्लास का है ये, और इसका जो टेक्सचर है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपने ग्लिसरीन देखिए, ग्लिसरीन जो हम लोग बनाते हैं ग्लिसरीन में थोड़ा सा लेमन यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वैसा इसका टेक्सचर है। और लगाने 2 या 3 ड्रॉप से ज़्यादा सीरम का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ 3 ड्रॉप्स आपको अपने स्किन पे लगाना पड़ता है, और इसे आप पूरे स्किन पे है ना स्प्रेड कर लीजिए। बहुत देर तक इससे मसाज तो नहीं होगी, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पर, और है ना ये आपको सनलाइट से भी बचाए।
इसको अप्लाई करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए यानी कि कुछ सेकंड के लिए ना स्किन बहुत ज़्यादा है ना स्टिकी लगती है, बट थोड़ी देर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और स्किन एक्चुअली है ना धीरे धीरे ब्राइट करने लगती है और जो डार्क स्पॉट्स है वो भी धीरे धीरे ना फेड हो जाते हैं। तो ये मुझे पर्सनली सीरम और टोनर तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा वाला सीरम है, इसे यूज़ करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ आता है। तो जो इसका सेकंड सीरम है ना वो है ये, इसमें क्या है जो ये नाइट का सीरम है सेम इसके साथ भी कुछ ऐसा ही आता है और कांच की शीशी है ये पूरी, तो इस वजह से मैंने इसको पहले से ही इसमें रखा हुआ है कि कब भी हाथ से छूट गई तो भाई टूट भी जाएगी। तो ये नाइट का सीरम है, वो जो डे का था उसमें विटामिन सी था जो आपकी स्किन को ब्राइटनेस करता है, क्योंकि हम लोग डे में बहुत ज़्यादा बाहर भी रहते हैं, कई बारी सनलाइट वगैरह से सामना होता है, तो ऑब्वियस है उसे सनलाइट से बचाने के लिए और हमारी स्किन को है ना डार्क होने से बचाता है। जो नाइट का सीरम है ना, नाइट में क्या होता है कि इसमें हाइलोरोनिक एसिड है प्लस डी पैंथनॉल है। देखिए हाइलोरोनिक एसिड क्या करता है, हमारी स्किन को है ना खिंचावट देता है, मतलब एक हमारी स्किन को ना स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है तो मींस कि आपके जो फाइन लाइंस वगैरह आ जाते हैं ना उसको ख़त्म कर देता है। इसके साथ में डी पैंथनॉन क्या करता है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, डी पैंथनॉल ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है, मींस कि अगर आपकी स्किन को जो खिंचावट मिलती है उसके साथ साथ है ना ये आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा। इसका भी सेम टेक्सचर है, ऐसा नहीं है कि उससे अलग जैसा है, लेकिन ना बहुत ही सही वाला सीरम है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसके दोनों सीरम बहुत अच्छे लगे। ये स्किन पर लगाने के बाद है ना ऐसा बहुत ज़्यादा चिपचिप जैसा बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन मॉर्निंग में जब हम अपनी स्किन देखते हैं ना तो बहुत अच्छी और ग्लोइंग लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि स्किन पर डलनेस आ गई है। धीरे धीरे यूज़ करते हुए ना स्किन से पूरी जो डलनेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैंने तो इसे जो ड्राई स्किन के लिए लिया है, लेकिन है ना इसमें एक्ने वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए, ब्राइटनेस के लिए बहुत और एंटी एजिंग के लिए भी अवेलेबल है, सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए ये मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उधर जाके देख सकते हैं, अपनी स्किन टाइप से इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिले हैं। डेफिनेटली मेरी स्किन दिन ब दिन ग्लोइंग होती जा रही है और बहुत अच्छी लगती है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसको है ना लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।